नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉर्टेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हमारे देश का एक राज्य है झारखंड। आपने इस राज्य का जिक्र कई बार सुना होगा, कभी उम्दा खिलाड़ियों के लिए, कभी खनिज संपदा की भरमार के लिए, तो कभी सादगी पसंद और मस्त मलंग रहने वाले आदिवासियों के लिए। लेकिन आज जब मैं झारखंड राज्य का जिक्र करूंगा तो इसमें एक कहानी है। ये कहानी है बदलाव की, वो बदलाव जिसने झारखंड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिला किसानों की खेती की राह आसान कर दी। कहानी है एक महिला किसान की जिसने अपने क्षेत्र की महिला किसानों की समस्या को समझा, खेती का नया रास्ता इख्तियार किया और दी उनके सपनों को उड़ान। आइए सुनाते हैं आपको कहानी सरस्वती की। सभी दीदी को जोहार, मेरा नाम सरस्वती देवी है, ग्राम आंगो पोस्ट परतंगा जिला हजारीबाग के रहने वाली हूँ और खेती बाड़ी से हम पिछला 13 साल से जुड़े हुए हूँ और टमाटर बैंगन मिर्चा के खेती करते हैं और धान का भी खेती करते हैं। जो मेरा गांव में गांव का जो विधि है हम लोग का, वही खेती कर रहे हैं। सरस्वती झारखंड के हजारीबाग जिले के आंगो गांव की रहने वाली है और वो अपने गांव में हमेशा देखती थी कि किसान किसी भूखंड पर खेती तो करते हैं लेकिन खेत में फसल की उपज उनके मेहनत के मुताबिक नहीं हो पाती। इसकी कई वजहें थी, इसमें से प्रमुख वजह ये थी कि जमीन एक जैसी नहीं थी। कई जगहों पर जमीन पथरीली थी, कई जगहों पर जमीन समतल नहीं थी और बारिश भी अनियमित रूप से होती थी। अब इनमें से कुछ वजह तो एक जैसी ही रहने वाली थी क्योंकि ये झारखंड की मिट्टी की विशेषता थी, लेकिन एक और कारण भी था जिसकी वजह से आंगो गांव के किसानों की खेती प्रभावित हो रही थी और वो वजह थी उनका पुरानी तकनीक के माध्यम से खेती करना। जो हम लोग का गांव का है, जो पहले हम लोग जमीन को जुताई कर रहे थे उसमें पानी का सुविधा नहीं मिलने का कारण हम लोग का खेत पड़ते रह जाता था और उसमें से हम लोग का दीदी का अधिक से अधिक हम लोग का दीदी का मतलब मदद लेना पड़ता था। उसमें हम लोग का अधिक से खर्चा भी होता है और हम लोग कम दीदी में हम लोग वो खेती हम लोग नहीं कर पाते, वो दीदी का ज़्यादा अधिक खेती मतलब आदमी का रहना पड़ता है। वो शुरुआत से ही देख रही थी कि गांव के एक छोटे से भूखंड में भी खेती करने के लिए दर्जनों लोगों की मेहनत की जरूरत पड़ती है, सिंचाई के पर्याप्त साधनों का प्रबंध करना पड़ता है और लागत और समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उसका कोई समाधान उपलब्ध ही नहीं था। और इसी वजह से सरस्वती किसी ऐसे समाधान की तलाश में थी जो उनकी खेती से जुड़ी इस समस्या को हल कर सके। लेकिन सरस्वती की ये तलाश ज्यादा लंबी नहीं चली। जल्द ही उसे पता चलता है कि गांव में कॉर्टेवा एग्री साइंस और उसकी एक सहायक संस्था प्रदान समूह द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उस ट्रेनिंग कैंप में क्षेत्र के किसानों को खेती की नई तकनीक यानी DSR तकनीक की जानकारी दी जा रही है जिसमें किसानों को कम लागत और कम मेहनत से अधिक उपज की प्राप्ति होती है। सरस्वती को जब इस बारे में पता चला तो उसे लगा जैसे इस DSR तकनीक को अपनाकर उसे गांव के किसानों की समस्याओं का हल मिल सकेगा। अब सरस्वती कॉर्टेवा एग्री साइंस से जुड़ती है और DSR तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने लगती है। भैया, हम लोग का DSR तकनीक के बारे में हम लोग का कॉर्टेवा एक संस्था है और प्रदान का थ्रू से हम लोग का ट्रेनिंग मिला, वहीं से हम लोग का DSR का मतलब जानकारी मिला। और जैसे भैया, हम लोग का DSR 3 साल से हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग इसमें पहले सबसे पहले हम लोग का खेत तैयार करना है, उसके बाद में अच्छा से कर के गोबर वोबर डाल के सीधे लाइन खींचना है, उसके बाद में दवा छिड़का करना है। दवा छिड़का करने के बाद 24 घंटा के बाद में धान को लगाना है, उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद में 15 दिन के बाद में उसको फिर देखभाल करना है। जब घास हो जाएगा उसका एक मशीन मिलता है, उसका मशीन से घास को निकालना है। DSR तकनीक के बारे में जानकर सरस्वती को ये पता चला है कि किस तरह से किसी भूखंड पर कम मेहनत और कम लागत लगाकर खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी उत्पन्न हो गई,
क्योंकि डीएसआर तकनीक बिल्कुल नई थी, तो इस वजह से गांव के लोग भी इस तकनीक को अपनाने में हिचके जा रहे थे। और जब सरस्वती ने बात अपने परिचित किसानों और परिजनों को बताई तो उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो कुछ ऐसी थी। भैया, जब दूसरों लोगों अगल बगल में दीदी सबको हम जो ये बात रखें डीएसआर तकनीक के बारे में, तो दीदी सब हिचकिचा रही थी और डर रही थी कि किसी तरह हम धान लगाते हैं, पहले पहले बार है, नया नया है, तो हम लोग लगाएंगे तो नहीं होगा, किसी तरह हो जाएगा तो हम लोग किसान के लिए कितना भरपाई करना पड़ेगा। कोई तकनीक जब नई होती है तो उसे अपनाने में लोग हिचकिचाते जरूर हैं, और गांव वालों का हिचकिचाना वाजिब भी है, क्योंकि गांव के किसानों की आमदनी का पहला जरिया तो खेती ही था। उन्हें डर सताने लगा था कि अगर वो नई तकनीक को अपना लेते हैं और उन्हें अच्छी उपज नहीं मिलती है या उनकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन सरस्वती उन महिलाओं में से थी जो जोखिम लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाली थी। उसे कॉर्टेवा एग्रीसाइंस की टीएसआर तकनीक पर पूरा भरोसा था, और भरोसा था खुद पर। उसे उचित जानकारी मिली थी और ट्रेनिंग की बदौलत उसने बहुत कुछ सीख लिया था। तो अपने इसी प्रशिक्षण और अपनी कुशलता का प्रयोग करके उसने ये सोचा कि क्यों ना वो खुद ही डीएसआर तकनीक से खेती करने की पहल करे और लोगों को जागरूक करे। पैदावार अच्छा होने के कारण जब हम दीदी सबको ये बात हम रखें पीजी के माध्यम से और जाकर हम पीजी में ट्रेनिंग दिए, उसका बाद में दीदी का जब समझ बढ़ गया और देखे तो उसका बाद में दीदी सब खुद हम भी लगाएंगे और तैयार होंगे, देखेंगे कि कैसा होता है, आपका हुआ तो मेरा भी होगा ना। जब सभी किसान डीएसआर तकनीक को अपनाने में हिचकिचा रहे थे तब सरस्वती ने महत्वपूर्ण फैसला लिया और तय किया कि वो खेती डीएसआर विधि से ही करेगी। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी लागत भी बहुत कम आई, और साथ ही साथ उसे खेती करने में कम लोगों की आवश्यकता पड़ी, और ये फर्क सभी लोगों को दिख रहा था। भैया देखिए, पहले का जो हम लोग का था ना, अधिक पानी हम लोग का होना चाहिए, अधिक मतलब समय होना चाहिए, अभी कम पानी होगा, बारिश होगा तो उसमें हम लोग खेत अच्छा से तैयार कर लेंगे, दो तीन बार जुताई कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग डीएसआर तकनीक को अपनाएंगे और खेती करेंगे, तो कम समय में भी होगा और कम मेहनत में होगा और कम दीदी से हो जाएगा। सरस्वती अपने प्रयासों में सफल रही। उसकी कोशिश थी कि वो गांव के लोगों को कृषि की नई तकनीक के बारे में जागरूक कर सके, और उसकी इस पहल से आज गांव के कई किसान संपन्न और समृद्ध हुए हैं। पर सरस्वती गांव के कई किसानों की जिंदगी में बदलाव लाकर ही सिर्फ संतुष्ट नहीं रहना चाहती थी। अब उसकी इच्छा ये भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉर्टेवा एग्रीसाइंस की डीएसआर तकनीक की जानकारी दे, उन्हें प्रशिक्षित करे और उन्हें भी खेती का लाभ कमाने का अवसर दे सके। दीदी सबको मतलब अधिक से अधिक दीदी को भी जागरूकता करना है, उसका दीदी का ट्रेनिंग भी देना है, सबका भी समझाना है कि कम लागत और कम मेहनत से खुद करें। सरस्वती एक साधारण महिला किसान थी, लेकिन अपने असाधारण दृढ़ निश्चय और निर्णय लेने की क्षमता की वजह से आज गांव देहात में उसका मान सम्मान है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसी ने तो कॉर्टेवा एग्रीसाइंस और प्रदान की मदद से गांव की परंपरागत खेती को नई दिशा दी है, और साथ ही साथ गांव के किसानों को और अपने खुद के सपनों को दी है एक नई उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉर्टेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉर्टेवा एग्रीसाइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक आप सुनते रहिए कॉर्टेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।